हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर वर्गा किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोग ममा अर्थ के हेयर फॉल कंट्रोल वाली पूरी रेंज की एक वीडियो बनाने वाले हैं, विथ डेमो, विथ उसका असली प्राइस, मतलब एमआरपी है जो, और आप उसे किस रेट पे सही तरीके से सही रेट पे कैसे खरीद सकते हो। ये तीन पीस इसमें आते हैं, ये वाले पूरे सेट में। शैम्पू है, कंडीशनर है, अनियन ऑयल है, अनियन शैम्पू है, अनियन कंडीशनर है, अनियन ऑयल है। ये सारा का सारा लगभग 1100 रुपए की रेंज की चीज़ है, लेकिन 822 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी, वीडियो को देखो लास्ट तक, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आज, ठीक है। अभी तक मैंने प्राइस के बारे में कभी इन डिटेल बताया नहीं है, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको। ये है जी अनियन वाला शैम्पू। अनियन वाले शैम्पू के अंदर में अनियन होता है, प्लांट का कैरेटीन होता है, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। अनियन का रस जो होता है ना, प्याज का रस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेयर फॉल के लिए। और ये मामा अर्थ की न्यू एंड इम्प्रूव्ड रेंज है। जो पहले आता था उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, और इन्होंने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी की है। वो तो अब आपको महीने दो महीने इसका यूज़ करने के बाद में ही आएगा समझ में कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। इसका जो शेल्फ लाइफ है वो लगभग 2 साल का आता है, और इसका जो एमआरपी है वो 349 रुपीज़ का होता है। आप बाकी निश्चिंत रहें कि इसके अंदर में कोई भी केमिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर स्किन टाइप के लिए लगभग अच्छा है, ठीक है। 250 ml की इनकी क्वांटिटी है, पहले 150 ml की इनकी क्वांटिटी आया करती थी। और अब ये है जी हमारे पास में अनियन हेयर ऑयल। अनियन हेयर ऑयल के अंदर में जी अनियन का ऑयल तो है ही, साथ में रिडेंसिल भी है। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए अच्छा है। अगर आप इसे लगा के ऑयल को अच्छे से मसाज करके रात भर अगर इसे रखते हो, हफ्ते में एक बार कम से कम, तो आपको काफ़ी अच्छे से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपने हेयर्स के अंदर में। लेकिन ऐसे आपको करना पड़ेगा, रात भर इसे रखना पड़ेगा। इसके अंदर में मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर हेयर टाइप के लिए है। ये 150 ml की क्वांटिटी में आता है। इसका जो MRP है वो है 399, और 24 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ है। अंदर से कुछ ऐसा निकलता है, बॉटल की सभी चीज़ों की इनकी ये जो बॉटलिंग है ये अच्छी है, बॉटल की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। और बाकी मैंने तो ये भी सुना है कि ये प्लांट्स वगैरह भी लगा देते हैं, इतने ये प्लास्टिक को रिसाइकल कर देते हैं, जितना यूज़ भी नहीं करते हैं, अच्छी बात है ये, और मेड इन इंडिया है। अब ये जी हमारे पास में कंडीशनर, जिसमें कि अनियन है और कोकोनट है, ठीक है, मतलब स्मूथ कर देता है बालों को। कंडीशनर हेयर्स को साफ नहीं करता है, हेयर्स को स्मूथ करता है, कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल वाली इनकी रेंज है, क्योंकि इसके अंदर में अनियन है। ये भी वही सब चीज़ें हैं, पैराबेंस नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। अब एक बार हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। हमारे पास में अनियन ऑयल है। ये अनियन हेयर ऑयल को हमने अब लगाना कैसे है, सिंपल, आप जैसे अपने ऑयल को लगाते हो वैसे ही आपको लगाना है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसलिए इसका डेमो दे रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता है भाई, ठीक है। ऑयल को अपने हेयर्स के ऊपर में अच्छे से अप्लाई कर लो, उसके बाद में 2-4 मिनट अच्छे से मसाज कर लो, ठीक है, कम से कम 5 मिनट चलो कर लो मसाज। ये देखो ऑयल मैंने कम नहीं लगाया, एकदम भर भर के ऑयल आपने लगाना है, और ये नहीं सोचना है कि मेरा ऑयल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इसका बेनिफिट ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा अगर थोड़ा सा लगाओगे तो। अच्छे से भर के ऑयल लगाओ। कभी कभी तो हम लोग ऑयल लगाते हैं, लड़के लोग तो वैसे ही बड़ा कम लगाते हैं, हफ्ते में एक बार कम से कम ये वाला आपको सब कुछ करना है, ऑयलिंग भी, शैम्पू भी और कंडीशनर भी, हफ्ते में एक बार मिनिमम, और 2 बार भी कर सकते हो हफ्ते में अगर आपके पास में टाइम है तो। मैं हफ्ते में 1 बार या कभी कभी 2 बार भी कर लेता हूँ। अच्छे से आपने मसाज करनी है अपनी फिंगर के टिप्स के साथ में, कोई मशीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मशीन है कोई मसाज वाली तो बहुत ज़्यादा बेटर है, मन है तो कर लो, उससे आपके अंदर के जो सेल्स हैं, ब्लड की वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ती है मशीन के साथ में, और मसाज करने से ना गर्मी पैदा होती है हेयर्स में, जिससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आराम से आप सो के उठ जाओ। ये अब मैं उठ चुका हूँ, अब हमने अपने शैम्पू का यूज़ करना है, और शैम्पू का यूज़ भी बड़ा ही सिंपल है। जैसे हम लोग हर शैम्पू का अपना यूज़ करते हैं बस वैसे ही है, बस अपने अपने बालों को गीला कर लेना है। मैं तो खैर वीडियो भी शूट कर रहा हूँ इसलिए ऐसे आपको खड़े होकर दिखा रहा हूँ, जनरली मैं ऐसे नहीं करता, जनरली मैं बाथरूम में आराम से बैठ के वहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। आराम से अपने हेयर को आपने गीला कर लिया है, थोड़े से शैम्पू को निकालो। इसकी एक लॉक होता है, लेफ़्ट और राइट घुमाओगे तो लिखा भी होता है लॉक अनलॉक, लॉक और ओपन लिखा होता है, बस आपने उस साइड से घुमा लेना ओपन की तरफ, और अपने शैम्पू को अपनी पाम में रब करके अपने हेयर्स के ऊपर में अप्लाई कर देना है।
और शैम्पू को सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, शैम्पू के साथ में अच्छे से मसाज भी करनी है, लगभग 2 से 2.5 मिनट मसाज कर लेनी है। ये देखो ऐसे ही आपको कर लेनी है। अब मैं आपको पूरा 2.5 मिनट तो नहीं दिखाने वाला हूँ, बस मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ब्रीफ आपको मैं दे रहा हूँ कि आपको कैसे इससे मसाज करनी है। उसके बाद में आपने अपने हेयर्स को वॉश कर देना है। सिंपल वाटर मैंने यूज़ किया है, कोई गर्म पानी नहीं है, कोई ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल हमारी टैंकी में जो पानी आता है बस वही वाला पानी है। अच्छे से आपने अपने हेयर्स को वॉश कर लिया है, दैट्स इट, आपका सारा ऑयल निकल चुका है। अगर अभी तक ऑयल नहीं निकला है तो फिर से उसे एक और बार वॉश कर ले, ऑयल सारा निकल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा कंडीशनर अपने हाथों में लेना है, पाम में उसे रब करना है, और कंडीशनर को अपने हेयर्स के ऊपर में हमने अप्लाई करना है, रूट्स के ऊपर में अप्लाई नहीं करना है। बाकी अगर हो भी जाता है रूट्स के ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई केमिकल वाली प्रोडक्ट तो है नहीं जो रूट्स के ऊपर में कोई इफेक्ट डालेगी। बाकी वैसे आपने ट्राई करना है कि आपके हेयर्स के ऊपर में ये लगे, क्योंकि कंडीशनर का काम होता है हेयर्स के ऊपर में, ठीक है। अब आपने 5 मिनट आराम से वेट करना है, 5 मिनट कंडीशनर आपके हेयर्स के ऊपर में लगा रहना चाहिए। अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश वगैरह कर लो और साइड में 5 मिनट के लिए जाके बैठ जाओ, ठीक है। अब 5 मिनट का वेट हुआ ओवर, अब अपने हेयर्स को आपने वॉश कर देना है, ये भी एकदम सिंपल वाटर के साथ में। इसे वॉश करने के बाद में ना थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि आपके हेयर्स मतलब स्मूथ टाइप के हो गए हैं, थोड़े नरिश हो गए हैं, थोड़े एकदम अलग अलग आपको हेयर्स लगेंगे, जुड़े हुए नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वही हमारा मोटिव है, हेयर्स अलग अलग रहेंगे वैसे भी फिर कम झड़ेंगे, ज़्यादा आपस में मिट्टी अंदर में रहेगी, मैल रहेगी, पॉल्यूशन रहेगा तो खुद ही से फिर झड़ेंगे ना। अब आपके हेयर्स खुद ही से अलग अलग हो चुके हैं, कंडीशन हो चुके हैं तो फिर ये कम झड़ते हैं, ठीक है। जब आप कॉम भी करते हो फिर भी कम झड़ते हैं। अब हमारे हेयर्स को हमने टॉवल ड्राई भी कर लिया है, बस हमने अपने कंडीशनर को साफ कर दिया है, एंड दैट्स इट, रेडी हो गया, आसान है नहीं। अब इसे हमने ख़रीदना कैसे है, सस्ते रेटों पे ये देख लो, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप लिंक के ऊपर में क्लिक करोगे यहाँ पे पहुँच जाओगे। अभी यहाँ पे इनकी सेल वगैरह भी चल रही है, और ये देखिए 5% कूपन भी अभी यहाँ पे, ये पहले से लाइटनिंग डील में है लेकिन फिर भी एक कूपन भी है 5% का। इस कूपन को हमने अप्लाई करना है, ऐड टू कार्ट इसे करना है। अब अपनी कार्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। कार्ट में आप जैसे ही जाते हो यहाँ पे 877 रुपीस का ये आपको दिख रहा है, प्रोसीड टू बाय हमने करना है। ये देखो 54.85 रुपीस ऊपर में आपको कूपन कोड लगाने के कारण और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आप अपना एड्रेस वगैरह भरने के बाद में जब लास्ट में जब पहुँच जाओगे तो ये 822.15 पैसा मतलब 822 रुपये का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय।